ये रिश्ता क्या कहलाता है में आजकल कहानी में बड़े ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बिजनेस में घाटे के बाद अब नायरा ने गोइंग का परिवार के बिजनेस का मोर्चा संभाला है ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। वहीं एक अच्छे हस्बैंड की तरह कार्तिक भी अब अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहा है। लेकिन अब जब शो में मिहिर बनकर एक्टर खुशवंत वालिया की एंट्री हो ही गई है तो ऐसे में अब आगे शो में आप देखेंगे कि एक नए प्यार की कहानी शुरू होगी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि मिहिर को नायरा से प्यार हो जाएगा और फिर इसी के साथ आएगा शो में एक नया तूफान। दरअसल बीते एपिसोड में दिखाया गया कि नायरा ने सिंघानिया हाउस में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन का आयोजन किया जिसमें देश के नामी गिरामी व्यापारी पहुँचे। वहीं दूसरी तरफ कहानी में मिहिर कपूर की एंट्री होती है जो कि एक बड़े ज्वेलरी डिजाइनर हैं। वो नायरा के काम को बड़ी बारीकी से देखते हैं। अब नायरा को लगता है कि वो मिहिर को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल मिहिर बिना कुछ कहे इस एग्जीबिशन से चला जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि कहानी में अब यहीं से धमाकेदार ट्विस्ट की दस्तक हुई है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मिहिर नायरा को बड़े ही अच्छे रिव्यूज देगा। इतना ही नहीं, नायरा उस वक्त काफी हैरान हो जाएगी जब मिहिर उसे एक बड़ी बिजनेस डील का ऑफर दे डालेगा। अब ऐसे में नायरा की खुशी तो सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी। लेकिन खबर यही है कि आगे शो में यहीं से एक नए प्यार की कहानी शुरू होगी। अब नायरा जहां अपनी इस कामयाबी से खुश होगी तो वहीं मिहिर नायरा को दिल दे बैठेगा। कहा जा रहा है कि बिजनेस को लेकर जैसे जैसे मिहिर और नायरा मिलते रहेंगे, मिहिर के दिल में नायरा के प्रति प्यार जागने लगेगा। इतना ही नहीं, सुनने में तो यहाँ तक आया है कि वो आगे नायरा का साइको लवर बन जाएगा और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे जब नायरा को मिहिर की इन फीलिंग्स का पता चलेगा तब क्या होगा। देखते हैं कि ये मजेदार ट्विस्ट शो में कौन सा तूफान लेकर आएगा।